कि सभी लोग अच्छे रहे, माँ नर्मदा माई सब पे कृपा बनाए रखे। हमारा जबलपुर हमारा ग्वारी घाट के लिए फेमस है, सब जगह संस्कार धानी के वासी है और संस्कारों से भरे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार। आप मेरे पीछे मां नर्मदा का पवित्र ग्वारी घाट देख पा रहे हैं। मां नर्मदा के जन्मोत्सव पर ग्वारी घाट सहित जबलपुर में स्थित नर्मदा के समस्त घाटों में भक्तों की आस्था का बिल्कुल जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आज के दिन पूरे जबलपुर नगर में मां नर्मदा के तट पर मां नर्मदा की गोद में आस्था, उम्मीद और धर्म का एक पावन समागम देखा जा सकता है। आस्था, उम्मीद और धर्म के पावन समागम की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां हजारों लाखों तादाद में देश भर से भक्त आकर के यहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहीं उम्मीद की बात करें तो नर्मदा जन्मोत्सव के दिन काफ़ी संख्या में यहां व्यापारी हैं जिनके व्यापार को गति मिल रही है। वहीं बात धर्म की करें तो हमारे सनातन सभ्यता में स्थित नदियों के प्रति प्रेम, नदियों के प्रति आध्यात्म, प्रकृति के प्रति आध्यात्म को यहाँ पर हूबहू बड़े ही सरल तरीके से देखा जा सकता है। इस पावन अवसर पर माई की गोद में मां नर्मदा के तट पे आए हुए भक्तजनों से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे माँ की महिमा के बारे में, नर्मदा के तट के बारे में और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली माँ नर्मदा नदी के बारे में। तो आइए कुछ भक्तों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं माई की महिमा। कहाँ से हैं आप? हम लोग यहीं से जबलपुर से, बिलहरी से। जो भक्त आए हुए हैं देश भर से, आज भक्त आए हैं लाखों की तुलना में, ये देख करके जबलपुर वासी के तौर पर कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा, प्राउड फील हो रहा है अपन को यार, इतने सारे लोग आ रहे हैं दर्शन देने के लिए, इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी में उन सारे लोगों की मेजबानी हम जबलपुर वासी कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। स्वच्छता को लेकर के क्या कहना चाहेंगे जो भक्त आए हुए हैं? स्वच्छता को लेकर ठीक ही है, वैसे अभी तो फिलहाल इतना ज्यादा वो नहीं है, थोड़ा बहुत तो है ही। माई नर्मदा के तट पर आई हूँ, यहाँ जो भक्तों का जन सैलाब देख पा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, हमको बहुत अच्छा लगा। माँ नर्मदा का जन्म उत्सव है तो हमको बहुत अच्छा लगा। माँ नर्मदा से क्या प्रार्थना करती हूँ? हम ये प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग सब अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। सबसे यही प्रार्थना रहती है कि सभी लोग अच्छे रहे, माँ नर्मदा माई सब पे कृपा बनाए रखे। आप क्या मांग रही हैं माँ नर्मदा से इस बार? हम मांग रहे हैं जी सब सुखी रहे, सब समृद्ध रहे। कैसा लग रहा है माई के तट पर क्या करके? अरे भैया बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिलता है माँ की तट पर आकर, इनके पास में शांति मिलती है, सुकून मिलता है, मन खुश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग हर साल आते हैं, हर साल रोज आते हैं दर्शन के लिए। साल भर आते हैं, रोज आते हैं दर्शन के लिए। आस्था में इसमें भरे हुए हैं कि शब्द ही नहीं निकल पा रहे हैं। आस्था इतनी है, माता के प्रति श्रद्धा इतनी है कि हम कुछ बोल ही नहीं सकते, उनकी इतनी कृपा आशीर्वाद। और जैसे कि आप लोग युवा हैं, जो हमारी सनातन सभ्यता रही है वो प्रकृति को पूजने की रही है अनवरत। हम वृक्षों को पूजते हैं, हम नदियों को पूजते हैं, हम प्रकृति को पूजते हैं और प्रकृति के द्वारा जितने भी चीजें हमें मिलते हैं, सूर्य हो, चंद्रमा हो, इन सारी चीजों की भी हम पूजा करते हैं। माई नर्मदा का तट है, माई नर्मदा का प्रकटोत्सव है, प्रत्यक्ष रूप है ना माँ का, तो प्रत्यक्ष रूप है, प्रत्यक्ष दर्शन दे रही है। तो अपनी सनातन सभ्यता के ऊपर क्या कहना चाहेंगी जो हम प्रकृति को पूजते हैं? गर्व है हमें अपनी प्रगति संस्था पे, और ये हमारी जो नर्मदा जी हैं, ये जीवन दायिनी हम लोग को जल मोक्ष दान करती हैं, तो बहुत नर्मदा जी हैं हम लोग की, बहुत नजदीक हैं। प्रकृति प्राकृतिक सुंदरता तो देती है माँ, लेकिन सुकून भी देती है। हमारा जबलपुर हमारा ग्वारी घाट के लिए फेमस है सब जगह, और बस प्राकृतिक मतलब एक वातावरण बहुत अच्छा मिलता है और सभी लोगों में जाता है कि हाँ ये कितना जरूरी है। जबलपुर वासियों के लिए तो एक गौरव का विषय भी है कि माई नर्मदा की गोद में जबलपुर बसा हुआ है। बहुत प्राउड फील करते हैं हम जबलपुर में, हम संस्कार धानी के वासी हैं और संस्कारों से भरे हुए हैं। बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है नर्मदा, अभी दोबारा फिर से आएंगे हैं माता के दर्शन करने के लिए। अभी सुबह के लिए आए हुए थे और इसके पश्चात अब शाम को आप लोग महाआरती के लिए आएंगे। और
महाआरती में जो आयोजन होते हैं वो किस तरह के? शाम को तो बहुत बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, शाम को जो लाइटिंग वगैरह होती है बहुत अच्छा लगता है, और नर्मदा जयंती में आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो हम लोग शाम को भी फिर आएंगे। आप भी कुछ ना कुछ कहना चाहेंगी जबलपुर वासियों से, देशवासियों से? मैं जबलपुर से नहीं हूँ, मैं नरसिंहपुर से हूँ, खास तौर पर इधर आई हूँ जबलपुर। नर्मदा प्रकटोत्सव माँ नर्मदा के लिए? हाँ, नर्मदा जी के लिए ग्वारी घाट है। हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी नदी है नर्मदा माई जिनकी परिक्रमा की जाती है, ये गौरव भी माँ नर्मदा को प्राप्त है। हम लोग हर साल जाते हैं नर्मदा पंचकोशी यात्रा में, और अभी फरवरी में फिर से जाने वाले हैं। अच्छा, फरवरी में आप लोग फिर से जाने? हाँ, हर साल जाते हैं। माँ नर्मदा से क्या प्रार्थना कर रही हैं इस बार आप? यही प्रार्थना कर रही हूँ, सब कुछ ठीक रहे, सब खुश रहे बस। कोरोना के बाद एक बार फिर से चला गया है, चला गया पूरी तरीके से, चला जाए अब दोबारा ना आए। कोरोना जब लगा था तब भी लोग आए थे, उसके पहले हुआ था कोरोना, बाद में ये मतलब ये सब हुआ, और उसके बाद अभी भी जब हुआ है तो कोरोना का नामो निशान नहीं है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों। देश भर से आए हुए भक्तगण जिन्होंने माँ नर्मदा की महिमा को लेकर के, माँ नर्मदा प्रकटोत्सव पर अपने भक्ति को लेकर के कई बातें कही, उम्मीद करते हैं ये बातचीत माँ नर्मदा के तट से जो हम आपको दिखा रहे हैं वो आपको अच्छी लगेगी। बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ।